हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह को 7 बजे से। मैं जैसे ही अपनी शिफ्ट ख़त्म करके आज बाहर आया हूँ, तो बाहर देखें क्या दुनिया बनी हुई है। हर तरफ इतना पानी खड़ा हुआ था, पूरे लाहौर में बहुत शदीद बारिश हुई है पिछले 4 घंटे से नॉन स्टॉप। और पता नहीं, अब देखता हूँ, पता करता हूँ जाके कि आज जो गाड़ी है वो मुझे ड्रॉप करेगी या फिर यहाँ पर वेट करना है थोड़ा। मेरे जितने भी दोस्त अपनी गाड़ियों पर या अपनी बाइक पर आते हैं ना, बेचारे पागलों की तरह पार्किंग एरिया की तरफ भाग रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया, तो कहते यार जाकर देखता हूँ कि मेरी गाड़ी के अंदर पानी तो खड़ा नहीं हो गया, ये मेरी बाइक में कोई मसला तो पैदा नहीं हो गया। तो काफ़ी हंसी आ रही थी, लेकिन बेचारों के ऊपर थोड़ा थोड़ा तरस भी आ रहा था। तो खैर, मैंने अपने जो हमारे सुपरवाइज़र हैं ट्रांसपोर्ट के, मैंने उनसे जाके पता किया कि सर क्या सीन है, घर कब जाना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपके एरिया में जो है बारिश कुछ कम हुई है तो हम आपको भिजवा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को 4-4 घंटे और 5-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। तो खैर, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मिल गई थी। और ये देखें, ये आदमी कितनी मुश्किल से अपनी बाइक के पीछे मुर्गियों का पूरा स्टैंड रख कर लेकर जा रहा है। मतलब हर इंसान किसी न किसी आफत में, किसी मुसीबत में जो है ना कांप रहा था। तो खैर, मुझे रास्ते में मामा की कॉल आ गई कि बेटा क्या सीन है, मैं सुन रही हूँ खबरों में इतनी बारिश हुई है तुम्हारे ऑफिस के एरिया में। मैंने कहा जी मामा, अब तो खैर मैं घर के करीब पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर तो इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन हमारे एरिया में तो वाकई काफ़ी बारिश हुई थी। पता है काफ़ी बच्चे तो अभी तक ऑफिस के अंदर ही हैं। तो खैर, मैंने मामा को कहा कि मैं ऑलमोस्ट घर पहुँच चुका हूँ और ऊपर से आज मेरी बर्थडे भी थी। तो मामा ने कहा कि हाँ जल्दी से घर आओ क्योंकि पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ बेकरी जाना है केक लेने के लिए। तो खैर, मैं घर पहुंच गया था। और ये जो सोफ़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सोफ़े हमने 1-2 दिन के अंदर अंदर सेल कर देने हैं, क्योंकि अब हम नए सोफ़े ख़रीद रहे हैं तो पुराने सोफ़े हम लोग बेच रहे हैं। और ये सोफ़े 20 साल तक हमारे घर रहे थे। इन्हीं सोफ़ों पर बैठ के मैं अपना होमवर्क करता था, इन्हीं सोफ़े पर मैंने शायद फीडर भी पिया है। तो बस अब ये जा रहे हैं तो काफ़ी अफसोस हो रहा था, इसीलिए वीडियो में कैप्चर कर लिए, क्योंकि आइंदा तो शायद ये देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और उसके बाद पापा मुझे ले आए थे बेकरी, क्योंकि मैंने केक लेना था अपने लिए। तो पापा ने कहा कि बेटा क्रीम वाला केक ना लेना, क्योंकि उनको शुगर है और मेरे बाकी लोग जो घर पे हैं, दोनों भाई, वो लोग भी सादा फ्रूट केक खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने पापा से कहा कि पापा सिर्फ मेरी बर्थडे पे तो कम से कम क्रीम केक ले लिया करें, आप लोगों की बर्थडे पे तो फ्रूट केक ही आता है। तो मैंने अपने लिए जो है ना क्रीम केक ले लिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए आई थिंक वहाँ से कुछ नूडल्स ख़रीद लिए थे और एक बॉडी स्प्रे ख़रीद लिया था, क्योंकि मेरा बॉडी स्प्रे ख़त्म हो रहा है। तो मैंने समझा कि चलो मेरी बर्थडे का गिफ्ट फिर यही है आज, बॉडी स्प्रे। और उसके बाद हमने वहाँ से कुछ बलून्स भी ले लिए थे। वैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं घर पर तो हम लोग बलून्स वगैरह नहीं लाते, लेकिन क्योंकि मैं सबसे छोटा भाई हूँ तो मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ, चाहे 50 साल का भी हो जाऊँ, तो मैं अपनी बर्थडे पर बलून्स लाता रहूँगा। तो इसीलिए मैंने ये बर्थडे बलून्स ख़रीद लिए थे। लेकिन मसला क्या हुआ कि जब हम लोग घर पहुँचे तो इनमें से जो एक बलून था, आई थिंक पी लेटर या एच लेटर, वो बिल्कुल जो है ना फटा हुआ था। तो उसकी वजह से सारा कुछ बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। तो पापा ने कहा कि इसके अंदर कहाँ जो है ना लीकिंग है, तो इसको हम चेक करते हैं। पापा चले गए वॉशरूम में, पापा ने बाल्टी में पानी भर लिया और पापा ने कहा कि इसके ऊपर पानी डाल के हम चेक करते हैं कि कहाँ से इसको लीकिंग है, और तुम फ़ोन छोड़ दो। मैंने कहा पापा फ़ोन छोड़ दूंगा तो वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो खैर, मैं वीडियो बनाता रहा और पापा ने फाइंड आउट कर लिया कि पी लेटर के अंदर एक जगह से सुराख हुआ हुआ था छोटा सा। तो हमने जिस बेकरी से ये बलून्स लिए थे, मैं वहाँ पर साइकिल पर दोबारा गया, हालाँकि वो इतनी दूर है, लेकिन अब हैप्पी पी के बगैर तो हैप्पी नहीं हो सकता ना मैं। तो खैर, मैं वहाँ गया, मैंने उनसे कहा कि पी लेटर चेंज कर दें। उन्होंने शुरू में कहा कि आपको यहीं पर देखना चाहिए था, इस तरह से वापस कर रहे हैं, हम सिर्फ पी लेटर वापस रख के क्या करें, तो और आपको नया पी लेटर कहाँ से दें। मैंने कहा अंकल ये मेरा मसला नहीं है, मेरी बर्थडे पी के बगैर बहुत अधूरी है, तो आप मुझे पी लेटर दे दें। तो उन्होंने मुझे फिर पी लेटर दे दिया। शुरू में तो वो दे भी नहीं रहे थे, सुपरवाइज़र से बात की तो फिर फाइनली मेरा काम हो गया था। तो बस, और अब हो रहा है मेरा ये केक कट। मैंने अपना फ़ोन पकड़ा दिया है पापा को कि मुझे शूट करें। और आज के दिन मैं पैदा हुआ था, तकरीबन कितने साल हो गए, 26 years ago। और हसन भाई अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे, उनको हमेशा लेट ही छुट्टी होती है, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग केक कट कर लो, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं आके खा लूँगा। और यहाँ पर मेरे केक के ऊपर कैंडल्स लग चुकी हैं। और अरे, कैंडल्स याद आया, जब मैं 10 साल का था या पता नहीं शायद 11 साल का था और मेरी बर्थडे हुई थी और पापा उस पर कैंडल्स नहीं लेकर आए थे,
बाकी हालांकि सब कुछ था, गिफ्ट्स भी थे, बलून्स भी थे, केक भी था और मामा ने घर पे काफ़ी डिशेस भी बनाई थी, लेकिन कैंडल्स नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैं नाराज़ हो गया और मैंने पापा से कहा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं अपने कमरे में गया, मैंने अपनी अलमारी में से 2-4 कपड़े शॉपर में डाले और उस ज़माने में मैं पैसे जमा करता था माचिस की डब्बी के अंदर। तो मैंने अपना दराज खोला, मैंने अपनी माचिस की डब्बी निकाली जिसमें शायद 1200 या 1300 रुपये थे और मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी सारी ज़िंदगी खुद ही गुजार लूँगा इन 1200 रुपये से। और हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे तो मैं कॉलोनी से बाहर, मतलब अपने घर से बाहर निकला, मैंने मस्जिद क्रॉस की, मैंने अपना स्कूल क्रॉस किया, अपना मदरसा क्रॉस किया और मैं कॉलोनी के गेट पर जैसे ही पहुंचा तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल थे उन्होंने मुझे रोक लिया। कहते कि कहां जा रहे हैं आप इतना सामान लेकर? तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं। लेकिन उनको पता था कि हम लोग इतनी उम्र में इस तरह से कभी निकले नहीं हैं पहले, तो उन्होंने फ़ौरन इंटरकॉम पे पापा को कॉल की और कहा कि सलाहुद्दीन साहब, आपका सबसे छोटा वाला बच्चा है वो अपने साथ ये शॉपर लेके और कैप लेके यहाँ पे आया हुआ और कह रहे हैं कि अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ मैं। तो पापा को इतना गुस्सा आया, फिर पापा ने हारिस भाई को मेरे पीछे भेजा, हारिस भाई भागे भागे मुझे लेने के लिए आए, मैंने अपना शॉपर जो है ना पीछे कर लिया, मैं ज़बरदस्ती वहाँ लेट गया, मैंने कहा मैं नहीं घर जाऊँगा। तो खैर, लेकिन फिर जाना पड़ा घर, 1200 रुपए से ज़िंदगी थोड़ी गुजरती है। तो खैर, मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस वक्त हारिस भाई मुझे लेने के लिए ना आते तो क्या होता। खैर, अच्छा, आज का ये जो व्लॉग मैं अपलोड कर रहा हूँ ये असल में अगस्त का व्लॉग है, मेरी बर्थडे 9 अगस्त को होती है, तो मेरे पास क्लिप्स रखे हुए थे तो मैंने आज शेयर किए। सो 9 अगस्त के बाद आपको पता है कि 14 अगस्त कुछ ही दिनों में आने वाली होती है, तो बाबा ने कहा कि यार घर में झंडा तो रखा हुआ है लेकिन हमारे पास स्टिक नहीं है, डंडा नहीं है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे? तो फिर मामा ने कहा कि जाकर ले आओ डंडा। तो अभी मैं और पापा घर से बाहर निकले हैं, देखते हैं कहीं से अगर बहुत लंबा सा बांस मिल जाए तो ज़बरदस्त सीन हो जाएगा। तो हाँ, ये देखें, यहाँ पे हम एक दुकान नज़र आ गई थी, तो हमने उनको बताया कि भाई हमें इस तरह से इतना बड़ा बांस चाहिए, हमने छंडा लगाना है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो 4-5 दिन हैं तो आपको हम मुनासिब रेट पर दे देंगे। तो फिर आई थिंक 700-800 रुपये का एक बांस हमें मिल गया था, काफ़ी मज़बूत था, तो हम लोगों ने वो ख़रीद लिया था। मतलब पापा ने ख़रीदा था, मैं तो वहाँ बैठ के वीडियोस बना रहा था, वहाँ पे मुर्गे और मुर्गियाँ बेचारे चोच चहलकदमी कर रहे थे तो मैं उनको शूट करता रहा। नेक्स्ट डे, और अब जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और पता नहीं मामा को सुबह सुबह क्या हुआ, मैं तो नाश्ता बना रहा था किचन में, तो मामा जो हैं वो रक्षा करवा के कहीं चली गई। तो पता नहीं मामा को क्या हुआ है आज, वरना मामा कभी इस तरह से जाती नहीं है। मैंने पापा को कॉल की, पापा ने भी कॉल रिसीव नहीं की, तो मैंने सोचा कि शायद पापा बाज़ार गए हुए होंगे, मामा को कभी कभी वो बुला लेते हैं तो मामा उनको ज्वाइन कर लेती हैं शॉपिंग में। लेकिन पापा ने जब वापस आए तो पापा ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया उन्होंने। तो खैर, लगता है मामा किसी बात पर हमसे नाराज़ हो गई हैं। हालाँकि हम लोगों ने आज डिनर करने बाहर जाना था, लेकिन पता नहीं मामा को कौन सी बात बुरी लग गई थी। अब मामा जब वापस आएंगी तो मामा से पता करेंगे। खैर, जब मामा शाम को वापस आईं तो मामा ने कुछ कहा ही नहीं कि कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी, बल्कि कहने लगीं कि मैं डिनर पे भी नहीं जाऊँगी। तो हमने कहा पता नहीं मामा को क्या हो गया। तो खैर, हम लोग डिनर पे फिर अकेले चले गए थे। मामा को काफ़ी हम लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन मामा ने साफ इनकार कर दिया। अब चलो, नेक्स्ट टाइम मामा की किस्मत में हुआ तो ले चलेंगे। फ़िलहाल हम लोग डिनर करने के लिए आ गए थे यासिर ब्रोस्ट, और यहाँ पर हम लोगों का आज शायद पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है जाने का, वरना इससे पहले हम लोग यूसुफ़ ब्रोस जाते हैं, वो हमारे घर से बिल्कुल करीब है। लेकिन इस दफ़ा मैंने पापा को कहा कि नहीं, यूसुफ़ ब्रोस नहीं जाना, यासिर ब्रोस चलते हैं और वहाँ जाके कुछ पार्टी सीन करते हैं। तो खैर, हम लोग यहाँ आ गए थे, हम लोगों ने डिस्कशन की कि क्या ऑर्डर किया जाए। तो पापा ने कहा कि बेटा, इस तरह की फ़ूड जो फ़ास्ट फूड होती है वो तो मैं नहीं खाऊँगा, मैं तो खाऊँगा कुछ देसी सा। तो हम लोगों ने कहा कि फिर इस दफ़ा हम लोग सारे ही लोग कुछ देसी खाना खा लेते हैं, क्योंकि अब यासिर ब्रोस पे आके भी अगर फ़ास्ट फूड ही खाना है तो फिर मैकडोनल्ड्स या KFC चले जाते हैं। तो खैर, हम लोगों ने सीख कबाब और अचार गोश्त और सैलड मंगवा लिया था, और मैंने अपने लिए मंगवा ली थी ये चिकन मंचूरियन, क्योंकि मुझे जब तक कुछ नॉन देसी चीज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता, और साथ में कुछ मार्गरिटा थे। तो बस अभी ये फूड इंजॉय करके हम लोग घर चले जाएँगे, और अपना आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मामा क्यों नाराज़ थी उनसे जाके पता करेंगे और आपको मैं अगले व्लॉग में लाजमी बताऊंगा। तो खैर, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।